हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज से बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, जीव विज्ञान को देखते हैं। चलिए विषय सूची देख लेते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, विषय सूची देखते हैं। तो पहले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाओं के बारे में। ठीक है, याद रखना, पहले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाएं। इसके लिए आप लोगों को बता दें, एक फोल्डर प्ले सूची में एक प्ले लिस्ट बना देंगे, सूची जनरल साइंस के नाम से। ठीक, जनरल साइंस, तो उसी में सभी सभी लेक्चर पड़े रहेंगे अपना। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हम लोग बात क्या करेंगे, वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। दूसरे में देखेंगे पादक जगत का वर्गीकरण। तीसरे में बात करेंगे हम लोग पादक आकारिकी। फिर फोर्थ नंबर के चौथे लेक्चर में बात करेंगे आवृत बीजियों की वर्गीकरण। पांचवे लेक्चर में बात करेंगे हम लोग पादक कार्य की। फिर छठे लेक्चर में पादक रोग। सातवें में करेंगे पादप ऊतक। आठवीं लेक्चर में बात करेंगे हम लोग पादप अनुवांशिकी। नौवीं लेक्चर में देखेंगे कोशिका विज्ञान। दसवें लेक्चर में बात करेंगे पारिस्थितिकी। फिर ग्यारहवें में प्रदूषण। फिर बारहवें में जंतु विज्ञान की शाखाएं देखेंगे। तेरहवें लेक्चर में बात करेंगे प्रमुख जीव वैज्ञानिक। चौदहवां लेक्चर होगा जो जंतु ऊतक से संबंधित होगा। 15वां होगा जो अनुवांशिकी से संबंधित होगा। 16वां उद्विकास। 18वां जो होगा जंतु जगत का वर्गीकरण होगा इसमें। और 18वां होगा जो 17वां होगा जंतु जगत वर्गीकरण। 18वां होगा मानव शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित। 19वां भोजन एवं पोषण से संबंधित होगा। 20वां होगा अंतरास्रावी तंत्र हार्मोन से संबंधित। और 21वां जो होगा हमारा विटामिन से संबंधित होगा, विटामिन से। बाईसवां होगा जो जंतु एवं पादपों पर जनन से संबंधित होगा। 23वां होगा मानव शरीर में पाचन श्वसन एवं उत्सर्जन तंत्र से संबंधित। और 24वां होगा श्वसन तंत्र से संबंधित। ठीक, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होगा। फिर 25वां, 26 होगा कंगाल तंत्र। ठीक, तो ये सभी लेक्चर हम लोग देखेंगे। ठीक, आपको बता दें, आप लोग याद रखना, जनरल साइंस के नाम से एक प्ले लिस्ट में सूची बनी होगी, उसी में ये सभी लेक्चर पड़े रहेंगे आप लोगों के। ठीक है, याद रखना।